भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया है। इस विश्व कप में टीम इंडिया अजेय बनी हुई है। भारत ने लगातार 7वां मैच जीतकर 14 अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने एक बार फिर एक तरफा जीत हासिल की। इससे पहले एशिया कप सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 50 रन पर आउट कर आसान जीत हासिल की थी। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 357 रन बनाए। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 92 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से दिलशान मधुसंका ने 5 विकेट लिए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम सिर्फ 55 रन ही बना पाई। सबसे ज्यादा रन 14 रन कसून रजिता ने बनाए। उनके अलावा महेश तिछाणा और एंजोलो मैथ्यूज ने 12 12 रन बनाए। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज 0 के स्कोर पर आउट हुए। वहीं 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 3 और जसप्रीत बुमराह और रविन जडेजा ने एक एक विकेट लिया। भारत की पारी की शुरुआत खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा को पारी की दूसरी ही गेंद पर दिलशान मधुसंका ने क्लीन बोल्ड किया। वह 4 रन बना सके थे। इसके बाद विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 189 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को मधुसंका ने तोड़ा। उन्होंने शुभमन को नर्वस 90 में विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच कराया। शुभमन 92 गेंद में 92 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद विराट भी शतक से चूक गए। उन्हें मधुशंका ने निशांका के हाथों कैच कराया। विराट ने 94 गेंद में 11 चौके की मदद से 88 रन की पारी खेली। इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने 46 गेंद में 60 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। राहुल 19 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें दुष्मंता चमीरा ने आउट किया। सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर सके। वह 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच श्रेयस ने वनडे करियर का 16वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 36 गेंद में 50 रन पूरे किए। श्रेयस को मधुशंका ने पवेलियन भेजा। वह 56 गेंद में 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 82 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शमी 2 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रविन जडेजा 24 गेंद में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 35 रन की पारी खेली। भारतीय पारी की आखिरी गेंद पर जडेजा रन आउट हुए। श्रीलंका की ओर से मधुशंका ने 5 विकेट लिए जबकि चमीरा को 1 विकेट मिला। श्रीलंकाई पारी की शुरुआत कभी पटरी पे नहीं रही। 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंद में ही श्रीलंका ने प्रथम निशंका को गंवा दिया। बुमराह ने उन्हें विकेटों के सामने फंसाया। इसके बाद सिराज ने अगले ओवर में दिमुथ करुणारत्ने और सदीरा समर विक्रमा को भी आउट कर दिया। कप्तान मेंडिस भी 1 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। 3 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद मैथ्यूज और असलांका ने श्रीलंका को मैच में वापस लाने की कोशिश की। दोनों ने थोड़ी देर तक विकेटों का पतन रोका लेकिन शमी के आते ही फिर विकेटों की झड़ी लग गई। शमी ने अगले 5 विकेट अपने नाम किए और भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अंत में जडेजा ने मधुशंका को आउट कर श्रीलंका की पारी खत्म की और इस तरह भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत पहली टीम बन गई है। थैंक यू।